जय सूर्यदेव। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं छठ पूजा के लिए एक आसान सा ड्राइंग। देखिए कितनी आसानी से, बस 70 की मदद से हम ये बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से पहले स्केल से कागज़ पर एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हम 7 लिखेंगे पहले, कुछ इस तरह से। और उसी के बाजू में थोड़ी सी जगह छोड़कर हमें 0 लिखना है, कुछ इस तरह से। देखिएगा, चाहे तो आप ढक्कन वगैरह या बैंगल्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गोलाकार बनाने के लिए 0 का। देखिए पेंसिल का काम हो गया, मैं लेता हूँ मार्कर, आप स्केच पेन या छोटे पॉइंट वाला मार्कर भी ले सकते हैं। देखिए ये जो 7 का आकार है ये हमें पूरा चाहिए और इसे हमें थोड़ा सा नीचे बढ़ाना है, बिल्कुल उसी की हाइट के मुताबिक। देखिए इस तरह से। अब देखिएगा यहाँ से हम यहाँ तक इस तरह से गोलाकार लाइन लेते हुए नीचे तक आएंगे, देखिए कुछ इस तरह से। और चाहे तो यहाँ पे हम डबल लाइन भी करेंगे और बिल्कुल पहले जहाँ पे हमने 7 निकाले थे वहीं से हमें जो माता जी हम निकालने वाले हैं उनका हाथ निकालेंगे। देखिए कितनी आसानी से वो सूरज देवता की पूजा कर रही है, तो इस तरह से उनका हाथ आएगा और यहाँ से हम उनका चेहरा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें उनका चेहरा बनाना है और यहाँ तक जोड़ देंगे। ये उनकी आईब्रोज, आंखें उनकी हम बंद दिखाएंगे क्योंकि वो सूर्य देवता की पूजा कर रही है। यहाँ पे उनकी बिंदिया वगैरह, यहाँ पे उनकी थोड़ी सी स्माइल और यहाँ से कुछ थोड़े से बाल हम निकले हुए इस तरह से दिखा सकते हैं। और थोड़ी सी उनकी कानों की जो बाली वगैरह है, झुमके वगैरह है, कुछ गहने वगैरह हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए और यहाँ से उनका हम हाथ निकालेंगे ताकि उस हाथ में हमें पूजा की थाली दिखानी है। देखिएगा कितनी आसानी से, बिल्कुल ऊपर वाली जो लाइन हमने खींची है उसी लाइन के पैरेलल हमें ये निकालना है हाथ उनका। देखिए उनकी उंगलियाँ वगैरह, उनके हाथों में हम चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स दिखा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल शांति से आपको ये ड्राइंग करना है। देखिएगा और यहाँ से हम उनका पल्लू वगैरह बनाएंगे, देखिए यहाँ से उनकी साड़ी हम बनाएंगे, यहाँ से कमर वगैरह। ये जो माता जी है ये हमें पूरी नहीं दिखानी है क्योंकि वो पानी में खड़ी है, पानी में खड़ी रहकर वो सूर्य देवता की पूजा कर रही है। ये देखिए उनके हाथों में हम थाली बनाएंगे पूजा की, इस तरह से वो थाली बनेगी। इसमें हम कुछ कलश वगैरह हम दिखा सकते हैं। देखिए सूरज देवता को पानी चढ़ाने के लिए उस पर भी हम कुछ डिज़ाइंस इस तरह से बना सकते हैं सुंदर तरीके से। देखिए आप भी शांति से इस पर डिज़ाइन बनाइएगा। छठ पूजा हमारे देश का, हिंदू धर्म का बहुत ही सुंदर सा पर्व है। देखिए इस तरह से वो कलश भी हो गया। यहाँ पे हम दिया वगैरह दिखाएंगे। और उसी के बाजू में कुछ फूल वगैरह, कुछ नारियल वगैरह और कहीं कहीं पे तो अनानास वगैरह भी पूजा में इस्तेमाल होता है, गन्ना वगैरह भी इस्तेमाल होता है पूजा में। अलग अलग प्रांतों के हिसाब से अलग अलग विधियाँ है पूजा की, तो हम इसमें कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह, नारियल वगैरह, फूल वगैरह दिखाएंगे। तो जनरल सी ये पूजा की थाली है, आपके हिसाब से आपके आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो जो पूजा में सामान इस्तेमाल होता है वो आप दिखा सकते हैं। देखिएगा कुछ इस तरह से पूजा की थाली बन गई। तो यहाँ से उनका उधर वाला हाथ भी थोड़ा सा दिखेगा। अब देखिएगा सूरज देवता को भी हम गोलाकार दे देते हैं कुछ इस तरह से। आप चूड़ी वगैरह या किसी बोतल का ढक्कन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा ये माता जी पानी में खड़ी है, नदी में पानी में खड़ी है, तो हमें इस तरह से उनके आजू बाजू पानी दिखाना है।
थोड़ी सी लहरें वगैरह ऐसी गोलाकार हम दिखाएंगे। बहुत ही आसान सा सिंपल सा ये ड्राइंग है छठ पूजा के लिए। आप बड़ी ही आसानी से 70 नंबर के इस्तेमाल से ये ड्राइंग बना सकते हैं। बस आपको सारी स्टेप्स फॉलो करनी होगी। देखिएगा ये लाइन को भी हम आउटलाइन करेंगे। ये नदी की बॉर्डर वगैरह हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं और पीछे हम कुछ पेड़ वगैरह इस तरह से दिखाएंगे। ज़्यादा भी मत दिखाइएगा नहीं तो जो ड्राइंग का मेन फोकस है वो हट जाएगा। देखिएगा कुछ पंछी वगैरह ऐसे उड़ रहे हैं, सुबह का वक्त है देखिए। और जो पेंसिल लाइंस हैं उन्हें हम इरेज करेंगे। अब शांति से आराम से इसमें कलर करेंगे। आप भी शांति से बिल्कुल आराम से समय निकाल कर ये ड्राइंग बनाइएगा। आपका भी ये ड्राइंग बहुत ही सुंदर बनेगा इस ट्रिक की मदद से, ये मेरा वादा है आपसे। आपको ये ड्राइंग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपके राज्य में प्रांत में छठ पूजा का महोत्सव या छठ पूजा का जो पर्व है वो कैसे मनाया जाता है, किस प्रकार से मनाया जाता है वो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए कितनी आसानी से हमने 70 नंबर के इस्तेमाल से छठ पूजा के लिए बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग बना दिया। आप भी जरूर निकालिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जय सूर्यदेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।